बाल अपराधियों के लिए चाइल्ड फ्रेंडली किशोरिकाएं का उद्घाटन यूनिसेफ की टीम और एसपी सिटी सहित अन्य अधिकारियों ने किया। लोहिया नगर के महिला थाना प्रांगण में शुरू हुई इस किशोरिकाएं में बच्चों के लिए बेहतर माहौल बनाया गया है। इस संबंध में एसपी सिटी श्लोक कुमार ने बताया कि किशोर पुलिस इकाई का उद्घाटन हुआ, क्या है ये और किस तरह से लाभ पहुँचेगा? देखिए, पूरे प्रदेश में कुछ चिन्हित जनपद हैं जिनमें कि AHTU स्थापित है और AHTU अलग थाने के रूप में स्थापित किया गया है, जहाँ पे कि जितने भी बच्चों के किडनैपिंग के केसेस होते हैं, मिसिंग या मिसिंग चाइल्ड के केसेस रहते हैं, उनकी विवेचना की जाती है, समीक्षा की जाती है, बच्चों की रिकवरी कराई जाती है। आज यहाँ पे यूनिसेफ की टीम आई हुई थी जिसने कि यहाँ पे जो भी प्रचलित व्यवस्था है, चाहे वो ऑपरेशन स्माइल हो या अन्य जो यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है, उसको उन्होंने देखा। इसकी उनके द्वारा प्रशंसा भी की गई है और अन्य जो प्रावधान रहते हैं बच्चों की सुरक्षा के लिए, चाहे वो पॉक्सो एक्ट हो या फिर जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बना रहता है या चाइल्ड वेलफेयर कमेटी रहती है, उन चीज़ों की भी उनको उनके द्वारा समीक्षा की जा रही है, देखा जा रहा है, समझा जा रहा है। टीम के द्वारा यहाँ भ्रमण किया गया, यहाँ के सारे यूनिट्स देखे गए और वो काफ़ी खुश थी। सर, क्या नया किया गया है? जो बच्चों के टॉयज वगैरह भी रखे गए हैं, कुछ पोर्ट्रेट्स भी लगाए गए हैं, ये क्या मामला? देखिए, चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए जो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट्स एस्टैब्लिश की जाती हैं, जिनमें कि बच्चों से जब कभी कोई जो क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व हो जाते हैं या उनसे कहीं पूछताछ करनी पड़ती है, तो उनको ऐसा ना लगे कि वो पुलिस के सामने आए हैं, तो इसलिए एक चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है जिसमें कि बच्चों के खिलौने इत्यादि भी रखे जाते हैं और जो लोग पूछताछ करते हैं वो भले ही पुलिसकर्मी हो पर वो सादे में रहते हैं ताकि बच्चों को किसी भी तरीके का भय ना हो।